हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स ytlearning। और मैं धवल आज आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी और ऐसे लिखने के लिए भी, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है। बट ये जो डेरिवेशन है, जो एक्सप्रेशन है, हमें क्या करना है। तो बेसिकली व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बेसिकली आपको समझाने जाऊँ, तो फॉर एग्जांपल ये वायर है। चलो, तो ये चीज़ करने से पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना वो हाई है, मतलब इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हाई है। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंट वायर, ओके, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ, और मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई है। तो अब अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, लाइक निक्रोम वायर, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये जो वायर है ये निक्रोम है, निक्रोम वायर होगा तो इसका ना रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए इन्होंने निक्रोम वायर को लिया है। तो वो बोल रहे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस है जो करंट को रोकता है। अब करंट को क्या है, करंट को इस तरफ जाना है और रेजिस्टेंस जो है वो उसे रोक रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से, मतलब एक दूसरे को दोनों अपोज करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ क्रिएट हो रही है हीट। अब ये जो हीट क्रिएट होगी ये कब होगी कि जब वायर में हाई रेजिस्टेंस होगा और फिर भी करंट आप पास करोगे, हाई करंट और हाई रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे को टकराएंगे और फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पे लाइट होगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर हीट प्रोड्यूस होगा तो वायर पिघल नहीं जाएगा, तो नहीं, हम वायर भी ऐसा यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत हाई होगा। मतलब मैं बोल दूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इस वायर का वो बहुत हाई होगा, क्योंकि इतनी हीट जो प्रोड्यूस होगी दोनों के फ्रिक्शन की वजह से, तो वो झेलने के लिए हमें जो वायर है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए और एंटी करोसिव भी होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आपको हीटिंग इफेक्ट समझ में आ चुका होगा, तो अब देखते हैं एक्सप्रेशन। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय, अब आपको भी पता है कि हम आपका जो फॉर्मूला होता है वो v इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ कि W इज इक्वल्स टू वी क्यू, मतलब मैंने क्या किया, Q को इधर V के पास शिफ्ट कर दिया, तो मतलब हमारा फॉर्मूला एक बन गया W इक्वल्स टू Q इन टू V। और एक फॉर्मूला है कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब इस I को मुझे क्या करना है, मुझे इस वर्क के फॉर्मूले में यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू IT वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, और फिर मुझे इस Q में वहाँ पे रिप्लेस करना है। तो बेसिकली मेरा जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला वर्क वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिकली ये है। तो लेट्स सी, W इक्वल्स टू हमने लिख लिया है क्यू वी, अब Q को हम लिखने वाले हैं आई टी, तो W हो जाएगा I इंटू टी इंटू वी, मतलब मेरे पास आ गया एक फॉर्मूला W इक्वल्स टू आई टी इंटू वी। अब ये W इक्वल्स टू आई टी इंटू वी जो मुझे अभी यहाँ पे मिला है, अब यहाँ पे जो हमें W इक्वल्स टू आई टी वी जो मिला है उसमें हमें किस तरीके से करना है, तो आप बोल सकते हो कि Q जो होता है वो होता है आई टी, तो ये जो Q है इसमें हमने रिप्लेस कर दिया है आई टी नेक्स्ट ही फॉर्मूले में यहाँ पे, और V एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये जो V है ऑल्सो हम लिखेंगे ऑल्सो V इक्वल्स टू आई आर, तो अब अगर मैं यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर पुट करूँ तो मेरे पास W का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आई टी इंटू आई आर। मतलब आप देख सकते हो कि मैंने जो फॉर्मूला था उसमें एक बार Q रिप्लेस किया और फिर V रिप्लेस किया, बस आपको वही करना है, W इक्वल्स टू क्यू वी लिख के क्यू वी को आई टी से रिप्लेस करो और V को आई आर से रिप्लेस करो, तो W का फॉर्मूला मिल जाएगा आई स्क्वायर आर टी। आप देख सकते हो आई स्क्वायर आर और टी। अब ये जो आई स्क्वायर आर टी मिला है, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है ये जो हीट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे जो भी काम हुआ है पूरे पोटेंशियल डिफरेंस ने जो काम किया है वो कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में, क्योंकि वायर गर्म हो रहा है। तो मैं इस W को रिप्लेस कर सकता हूँ H से, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, और इसे कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जो था ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक्सप्रेशन था। तो इसको बेसिकली हमें यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे तरीके से बराबर लिखना है कि आप क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करने वाले हो। तो आपने जो था W इक्वल्स टू क्यू वी, उसमें Q को आपने रिप्लेस किया IT से और V को आपने रिप्लेस किया IR से, तो आपके पास आया वर्क डन इक्वल्स टू IT इंटू IR।
उसको हमने लिखा w equals to i square rt. फिर हमने क्या बोलना है, फिर हमने एक सेंटेंस बताना है उनको कि हियर अज्यूमिंग ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितना भी आपने एनर्जी ट्रांसफर किया है वो कम्प्लीटली बदल गया है हीट एनर्जी में, क्योंकि वो वायर गर्म होने लगा है. तो आपने जो भी वर्क किया, यहाँ का जो वर्क था वो कन्वर्ट हो गया एच में, तो आप रिप्लेस करते हो डब्ल्यू को एच से. तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ वर्क डन इन अबव इक्वेशन. तो आई कैन राइट एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी जिसे कहा जाता है. और एग्जाम में कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन या डिराइव जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आपको ये एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा और ऊपर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऊपर समझाया. फिर आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ जो हीट प्रोड्यूस है वायर में वो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर को, रेजिस्टेंस को और टेम्परेचर को. सॉरी, हाँ बराबर बोला मैंने. तो हम यहाँ पे जो सॉरी टेम्परेचर नहीं, ये टी है यानी कि टाइम, सॉरी, वेरी सॉरी. सो द हियर द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड टाइम टी फॉर विच द करंट इज पास्ड. कितने वक्त के लिए पास किया उस पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या था उस पर भी डिपेंड करता है, और कितना करंट भेजा. ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा देर तक प्रेस गर्म करोगे, मतलब जो आयरन होता है वो ज़्यादा देर तक गर्म करोगे तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगी, बट स्विच ऑन करके ऑफ कर दोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी. मतलब कि टाइम पे भी डिपेंड करता है, कितने टाइम के लिए आपने करंट वहाँ पे पास होने दिया था. अब हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने मिलता है. तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट इज नथिंग बट कि आपने इसको कहाँ अप्लाई किया, इस हीटिंग इफेक्ट वाले फंडे को आपने कहाँ अप्लाई किया. तो लेट्स सी, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक किटली, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स एक्सेट्रा. ये सारी जगहों पर हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, मतलब करंट को पास करते हैं हाई रेजिस्टेंट वायर से और वहाँ पर हीट क्रिएट होती है, उसको हम अप्लाई करते हैं इन सब चीज़ों में. दूसरा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक लैंप्स जो पुराने मिलते थे जिसमें टंगस्टन वायर लगा होता था, उसमें वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते थे और लाइट वहाँ पे होती थी. तो टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे चीज़ों का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हीट इतनी प्रोड्यूस करने वाले हो वहाँ पे कि चीज़ पिघल ना जाए, इसलिए हमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई लगेगा. कैन बी केप्ट वाइट हॉट विदाउट मेल्टिंग. वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब वो ऐसा जलता था, मतलब ऐसा ग्लो होता था कि वो वाइट हॉट हो जाता था बट मेल्ट नहीं होता था ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट. फिर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो फ्यूज में क्या होता है, तो बेसिकली जो फ्यूज होता है ना उसमें क्या होता है, ये जो मटेरियल हमने यूज किया है ये रेजिस्टिविटी जो है इसकी हाई है बराबर, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, ताकि अगर कभी हाई करंट अचानक से हाई करंट आ जाए और ये हमारा हाई करंट हमें घर में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्यूज वायर जो लगाते हैं वो हाई रेजिस्टेंस का लगाते हैं बट उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण जब अचानक से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी घर में आ जाए तो ये फ्यूज वायर यहाँ से पिघल जाता है, पिघल जाएगा तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये हाई करंट हमारे घर तक नहीं पहुँच पाएगा. तो ये मेल्टिंग पॉइंट जो है ये हम लो यूज़ करते हैं. तो क्या यहाँ पे भी हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हुआ? हाँ हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यहाँ पे गई वो हीट में कन्वर्ट हुई और वो हीट ने इस चीज़ को पिघला दिया. ये चीज़ नहीं पिघलती अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता, पर यहाँ पे इसकी पिघलने की ज़रूरत थी क्योंकि ये फ्यूज था ताकि हमारा जो हाई करंट है वो हमारे घर तक ना पहुँचे. तो थैंक यू गाइज, ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे पावर कंजम्पशन यानी कि इलेक्ट्रिक पावर. तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.